तो दोस्तों आखिरकार जनता की पावर काम आ ही गई और जनता ने अपना विजेता चुन लिया। भारी मतों से यहां पर एल्विश यादव बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 2 के विनर बन चुके हैं। और दोस्तों बिग बॉस के इतिहास का एल्विश यादव ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो कि आज तक कोई भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नहीं तोड़ पाया। जी हाँ दोस्तों, एल्विश यादव शो के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है जिन्होंने कि इतिहास रच दिया है और इस समय पूरा हिंदुस्तान जश्न की तैयारियों में लगा हुआ है। मेरे यहाँ आसपास के एरिया में भी काफी सारे पटाखों की आवाज आ रही है और ऐसे में फैंस ने बता दी है अपनी पावर की सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आखिरकार एल्विश आर्मी ने अपनी पावर दिखा दी है और आखिरकार उसका नतीजा ये हुआ कि एल्विश यादव बिग बॉस के घर के अंदर रहते हुए एक नया इतिहास अपने नाम पर रच गए और इस शो के चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। खैर खुशियाँ मनाएंगे क्यों नहीं, इतने दिन से मेहनत जो की है, दिन रात लगकर यहाँ पर वोटिंग की गई है। हालांकि दोस्तों हैरानी वाली बात तो यह है कि फुकरा इंसान के फैंस ने भी वाकई कमाल किया है, कमाल की वोटिंग की है यार, सभी को दिल से सैल्यूट। जिस तरीके का जज्बा दिखाया वो वाकई काफ़ी तारीफ काबिल है। हालांकि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों जिस मुकाम पर दोनों भाई पहुंचे हैं वहां तक घर के बाकी कंटेस्टेंट नहीं पहुंचे हैं, सबको मात देने के बाद वहां तक पहुंचे हैं और ये सबके लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों अब जो है आप प्लीज़ जो भी इतने दिन से एक दूसरे को लेकर हेड्स फैलाई जा रही थी सब चीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों दोनों कंटेस्टेंट आपस में खुश थे तो हमें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें खुशी इस चीज़ की होनी चाहिए कि फुकरा इंसान भी रनर अप रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो थर्ड पोजीशन पे नहीं है या फिर शो को हारे नहीं है, उन्होंने भी जनता का दिल जीता है। फिलहाल दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर, अपनी राय कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ताकि हर खबर अब आप तक पहुंचे सबसे पहले।